नमस्कार, सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं टेरिडो फाइटा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। पहला क्वेश्चन क्या है? किस पौधे से बीज की उत्पत्ति खोजी जा सकती है? ऑप्शन ए लाइकोपोडियम, बी सिलेजनेला, सी साइकस, डी पाइनस। बताइए। ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम विच प्लांट? ए लाइकोपोडियम, बी सिलेजनेला, सी साइकस, डी पाइनस। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी नंबर। बी हमारा सही ऑप्शन रहेगा, सिले जिनेला। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, पौधों के किस समूह को संवहनी क्रिप्टोगैम कहते हैं? नंबर एक शैवाल, बी टेरिडोफाइट्स, सी सैक, डी कवक। सैक को लाइकन भी बोलते हैं। विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स? एलगाई, टेरिडोफाइट्स, लाइकेन, फंगी। 23 सही ऑप्शन है बी टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइट्स इसका सही ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन, टेरिडोफाइट्स को कहते हैं संवहन क्रिप्टोगेम्स, फैनेरोगेम्स, सी क्रिप्टोगेम्स, डी वनस्पति जगत के उभयचर। बताइए। टेरिडोफाइट्स आर नोन एज वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, बी फैनेरोगेम्स, सी क्रिप्टोगेम्स, डी एम्फीबियस प्लांट किंगडम। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा। 25 का ए संवहन क्रिप्टोगैम्स होगा इसका सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक वॉकिंग फर्न है? ए टेरिस, बी एडिएटम, सी नेप्रोलेप्सिस, डी इक्विसिटम। बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वॉकिंग फर्न? टेरिस, एडिएटम, नेप्रोलेप्सिस और इक्विसिटम। तो इसका सही ऑप्शन है बी। बी ऑप्शन होगा इसका सही, राइट आंसर बी, एडिएटम सही ऑप्शन है इसका। एडिएटम क्या होता है देखते हैं इस बार। एडिएटम एक वॉकिंग फर्न है। इसमें पत्तियों के अग्रभाग के मृदा के संपर्क में आने पर अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं, जिनसे नए पत्ते तथा पौधे का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 27, मर्सीलिया की बीजाणु फलिका है बहुबीजाणु धारक, बी द्विबीजाणु धारक, सी समबीजाणु धारक, डी अबीजाणु धारक। तो सही ऑप्शन पे टिक करिए आप लोग, इस पे सही ऑप्शन कमेंट कर दिया करो। 27 का बताओ, ए ऑप्शन इसका सही होगा, बहुबीजाणु धारक, हेट्रोस्पोरस। स्पोरोकार्प्स ऑफ मार्सिलिया इज हेट्रो हेट्रोस्पोरस। और इसका अगला क्वेश्चन क्या है, मर्सीलिया की बीजाणु फलिका बहुबीजाणु धारक होती है। इसमें एक ही स्पोरोकार्प में माइक्रो स्पोरेंजिया तथा मेगा स्पोरेंजिया दोनों का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त रहित रंभ को कहते हैं मेरी स्टील, प्रोटो स्टील, यू स्टील, डिप्टियो स्टील। ए स्टील विदाउट पिट इज कॉल्ड मेरी स्टील, प्रोटो स्टील, यू स्टील, डिप्टियो स्टील। बताइए। इसका सही ऑप्शन है बी, बी नंबर इसका सही होगा, प्रोटो स्टील। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्या है, पित्त रहित रंभ को प्रोटो स्टील कहते हैं। यह सबसे प्राचीन भारत का रंभ, प्राचीन प्रकार का रंभ होता है। इसमें मध्य में जाइलम तथा इसके
चारों ओर फ्लोएम होता है। निम्नलिखित क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन टेरिडोफाइट द्वितीय वृद्धि प्रदर्शित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट शोज सेकेंडरी ग्रोथ किसमें होती है? बताइए। सही ऑप्शन है बी नंबर, आइसो आइस आइस आइसो ईट्स में, ठीक है, आइसो ईट्स में होती है सेकेंडरी वृद्धि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। आइसोइट्स नामक टेरिडोफाइट्स द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित करता है। सामान्यतः टेरिडोफाइट्स में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, परंतु आइसोइट्स में सामान्य द्वितीयक वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 30, कायिक जनन अधिक सामान्य होता है? ऑप्शन ए फर्न बीजाणुद्भिद में, बी फर्न युग्मकोद्भिद में, सी रिक्सिया युग्मकोद्भिद में, डी रिक्सिया बीजाणुद विद में। बताइए इसका सही ऑप्शन है सी रिक्सिया युग्मकोद्भिद में। कायिक जनन अधिक सामान्य होता है रिक्सिया युग्मकोद्भिद में। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज मोस्ट कॉमन इन रिक्सिया गैमेटोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्सिया युग्मकोद्भिद में कायिक जनन अधिक सामान्य होता है। रिक्सिया में मुख्य पौधा गैमेटोफाइट होता है जो थैलस होता है। इसमें कई प्रकार के कायिक जनन होते हैं जैसे विखंडन, ट्यूबर इत्यादि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31, युक्तिस्टम के वायवीय तने में निम्न में से क्या पाया जाता है? केवल कटके, केवल खांचे, सी कटके एवं खांचे दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी, इसमें पाए जाएंगे कटके एवं खांचे दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 32, पहले हम पढ़ लेते हैं। इक्विसिटम के वायवीय तने में कटके एवं खांचे दोनों होते हैं। इक्विसिटम में दो प्रकार के तने होते हैं, भूमिगत तथा वायवीय। इनमें इंटरनोड पर कटके तथा खांचे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इक्विसिटम के तने में कूटकी नलिकाएं कैरनल कैनाल्स पाए जाते हैं किसमें? बताओ, संवहन पुल में, वलकुट में, पित्त में, इनमें से सभी में। बताइए भाई 32, इनमें से सभी आ गया। बहुत सारे लोग इनमें से सभी कर देंगे तो यही तो गलत हो जाता है। इसका आंसर है संवहन पुल में, संवहन पुल में ऑप्शन ए नंबर, वैस्कुलर बंडल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विसिटम के तने में वेलिकुलर तथा कूटकी नलिकाएं संवहन पुल में पाए जाते हैं। संवहन पुल में जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं जबकि कैम्बियम अनुपस्थित होती है। इसमें प्रोटोजाइलम के भाग अलग अलग होकर एक नाल बना लेते हैं जिसे कैरिनल कैनाल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, वेलिकुलर तथा कैरिनल कैनाल किसमें पाए जाते हैं? ए इक्विस्टम, बी मार्सिलिया, सी पाइनस, डी जियामेस। बताओ, जिसको कुछ लोग जायमेस भी पढ़ लेते हैं। बताओ 33 का हमारा ऑप्शन है ए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इक्विस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु क्लब मास प्रचलित नाम है सिलेजिनेला का, बी लाइकोपोडियम का, सी इक्विस्टम का, डी मार्सिलिया का। तो इसका सही ऑप्शन बताओ, सही ऑप्शन है सिले जिनेला। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसे क्लब मॉस कहते हैं? बताओ भाई, क्लब मॉस कहते हैं सिले जिनेला को ही बोला जाता है, लेकिन
क्लब मास, ठीक है। यहाँ पे लाइकोपोडियम को भी क्लब मास कहा जाता है, लाइकोपोडियम, ठीक है। इसका सी ऑप्शन सही है, गलत ना कर देना, सिलेजनेला के चक्कर में। जो ये क्लब मास होता है इसको हम लाइकोपोडियम, ये वाला है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकोपोडियम को सामान्यतः कहा जाता है हॉर्सटेल, क्लब मॉस, क्विल वर्ट, स्टोन वर्ट। बताओ सामान्यतः लाइकोपोडियम को क्या कहा जाएगा? तो ये हमारा रहेगा क्लब मॉस, यही कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला टेरिडोफाइट है, एजोला, साल्विनिया, टेरिस, डी सिलेजिनेला। इसका आंसर तो नीचे ही दिया है, एजोला। एक जलीय फर्न है, इसमें सहजीवी रूप से एना बेना नामक नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। ये शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। इस सहजीवी संबंध को धान के खेतों में उपयोग किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन जलीय टेरिडोफाइट है? अभी पढ़ा, ये जो एजोला होता है यही जलीय टेरिडोफाइट रहता है, एजोला, जलीय एक्वाटिक टेरिडोफाइट जो हमारा है वो रहेगा एजोला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 39, उस पौधे का नाम बताइए जिसके राइजोम में उभयत फ्लोएमी नाल रंग पाया जाता है। इक्विस्टम, इक्विस्टम, सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, क्लेवेटम, मार्सीलिया। बताओ भाई, नेम ऑफ द प्लांट वेयर एम्फिओलिक सिंप साइफनोस्टील इज फाउंड इन राइजोम, राइजोम को नाल रंग। बताइए 39, 39 का है डी, मार्सिलिया, ठीक है, डी नंबर मार्सिलिया होगा, यही सही है इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मार्सिलिया के राइजोम में उभयत फ्लोएमी नाल रंग पाया जाता है। इसमें जाइलम चारों तरफ से फ्लोएम द्वारा घेरा होता है तथा पिथ मध्य में पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मार्सिलिया के राइजोम की आंतरिक संरचना में संवहन संगठन निम्न प्रकार का होता है, बताइए। मार्सिलिया की स्टील किस टाइप की होती है? वोर्टिका बी, इसकी स्टील होती है एम्फी फ्लोइक स्टील, साइफोनो स्टील, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, मार्सिलिया में स्टील होता है सोलेनो स्टील, प्रोटो स्टील, एम्फी फ्लोइक, साइफोनो स्टील, उपयुक्त में से सभी। बताइए भाई, मार्सिलिया की स्टील अभी तो बताया था, सी ही होगी भाई, एम्फी फ्लोइक साइफनो स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फी फ्लोइक साइफनो स्टील पाई जाती है मार्सिलिया में, लाइकोपोडियम में, सिलेजिनेला में, इक्विस्टम में। 42 का ए ही तो है ऑप्शन, घूम फिर के एक ही क्वेश्चन को इधर से उधर करना है। मार्सिलिया, ये लास्ट क्वेश्चन था। धन्यवाद, क्लास यहीं हुई समाप्त। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो।